Good morning, students and parents. Hope you all are doing well. Today we will see sources of water. It is in your book 2. Now, what are sources of water? We get water from the sources of water. Pani hame jahan se milta hai, use hum sources of water kehte hai. For example, hame rain, lake, river, sea, और वेल उसमें से पानी मिलता है. तो ये जो है हैंडपम्प, इन सब सोर्सेस से हमें पानी मिलता है, उसे हम सोर्सेस ऑफ वाटर कहते हैं. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. व्हाट आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर? जो पानी हमें गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान की तरफ से हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड God gifted है हमें, that is called natural sources of water. In that, we will see rain, lake, rain, lake and river, sea. ये जो sources है, उसमें से हमें पानी naturally हमें मिलता है. Now, in next slide, we will see rain. In this, we will see that we get rain in rainy season. We have seen that water cycle. Water cycle में हमने देखा था कि पानी बारिश होके कैसे जमीन पे आता है, बारिश कैसे होती है, वो हमने देखा था. Rainy season में बारिश होती है, वो पानी हमें utilize करते हैं, हम use करते हैं. वो एक हमारा natural source of water है, that is God gifted, जो भगवान की तरफ से हमें मिलता है. We use this water for crop. फसल उगाने के लिए ये water use होता है. We use this water for our household work. हमारे घरों के कामों के लिए ये चीज़ हम use करते हैं. And ये जो water है, उस वजह से अच्छे से अगर बारिश होती है, then we will not face any problem of water. पानी की कोई समस्या नहीं होती. अगर अच्छे से रेनी सीजन में बारिश हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आते और सब भर जाता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी लेक. ड्यू टू रेन लेक गेट फिल्ड. जो लेक के अंदर जो पानी आता है वो रेन से रेन की वजह से आता है. ओके, नाउ लेक के अंदर जो पानी है वो हम यूज कर सकते हैं. वी कैन डू बोटिंग इन दिस लेक. लेक इन जामनगर देयर इज अ लखोटा लेक. आपने वो लेक देखा होगा. लोटस ग्रो इन दिस लेक. जो लोटस है दैट इज अवर नेशनल फ्लावर. दिस लोटस ग्रो इन दिस लेक. जो लेक के अंदर है उसमें लोटस यानी कमल खिलता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी रिवर. रिवर ऑल्सो गेट फिल्ड ड्यू टू रेन. रेन की वजह से रिवर्स फिल होती है. रिवर्स आर इन स्वीट इन वाटर. रिवर का जो पानी होता है वो मीठा होता है. देर आर सो मैनी रिवर्स इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. आपने भी कोई नदी देखी होगी, उसे रिवर कहते हैं. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी सी. सी यानी समुंदर. मे बी आपने भी कोई समुंदर देखा होगा, जहाँ पे बीच पे हम जाते हैं, वहाँ पे सैंड के अंदर हम खेलते हैं. वो जो समुंदर होता है दैट वाटर इज सॉल्टी. उसके अंदर जो पानी है वो सॉल्टी होता है. सॉल्टी यानी खारा होता है. वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर. हम ये पानी पी नहीं सकते हैं. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी दैट देर आर सम क्वेश्चन आंसर विच इज बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर पे है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. कौन कौन से नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है? इन दैट वी कैन से रेन, लेक्स, रिवर्स एंड सी आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. रेन, लेक, रिवर एंड सी जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, जो गॉड मेड है. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज वाटर गेट कलेक्टेड इन रिवर, लेक्स एंड सी.
पानी जो है वो रिवर के अंदर, तालाब के अंदर और समुद्र के अंदर कैसे भरता है। वॉटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक एंड सी थ्रू रेन। बारिश जब अच्छे से होती है, जब बारिश होती है तब उसके अंदर, किसके अंदर, रिवर के अंदर, लेक के अंदर और सी के अंदर पानी भरता है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नॉट ड्रिंक सी वॉटर। हम समुंदर का पानी क्यों नहीं पी सकते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक सी वॉटर बिकॉज इट इज सॉल्टी। समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, उसे हम नहीं पी सकते हैं, वो हम नहीं पी सकते। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर विच इज गिवन बाय गॉड। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।